वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से पेमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बार चले जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल टू TPTDL ₹5,500 बाय चेक, यानी कि हमने चेक के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया किसको, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड को 5,500 का। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने टेली स्क्रीन पे और यहाँ पर हमें कोई भी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कैश होना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस शीट अपनी चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैश नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कैश डालना पड़ेगा। तो कैश किस तरह से डालते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा स्कैप करके पीछे, यहाँ से जाना होगा आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको जाना होगा लेजर्स पे और यहाँ से आपको जाना होगा कैश पे। कैश के अंदर जाने के बाद आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस का, तो यहाँ पर आप जा करके अपना अमाउंट डाल दीजिए। एंटर करके आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट डालेंगे उतना अमाउंट आपका करंट बैलेंस में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक 50,000 और एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब अगर कैश हम चेक करेंगे अपना तो इसमें हमारा 50,000 अमाउंट शो होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमने जो पेमेंट की एंट्री पास की है वो चेक के द्वारा पास की है, यानी कि हमने जो पेमेंट की है वो बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो यानी कि हमारे बैंक में भी बैलेंस होना चाहिए तो ही हमारा अमाउंट पास होगा। तो इसके लिए आपको वापस टैली में जाना होगा और यहाँ पर हमें जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर शो हो रहा है। अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर आपका शो ना हो तो आप यहाँ पर F4 दबा सकते हैं, F4 दबाने से आपका कॉन्ट्रा वाउचर आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट सी करना है, ऑल्ट सी करके आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है किसका, बैंक का। तो हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, लाइक हमने बना लिया HDFC बैंक और इसके बाद इसको डाल देते हैं अंडर ऑफ बैंक अकाउंट कि ये क्या चीज़ है, ये हमारा एक बैंक अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड वगैरह डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं, ब्रांच डिविजन्स वगैरह डाल सकते हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं और अपना स्टेट और पिन कोड डाल सकते हैं। अभी हम फिलहाल कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं, हम इसको एंटर करके फिलहाल सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपके HDFC बैंक में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए हम अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। आपको स्पेस दबाना होगा, स्पेस दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैश हमारा शो हो गया। हम यहाँ पर कैश लेंगे क्योंकि कैश में हमने 50,000 डिपॉजिट कर रखा है। तो कैश लेने के बाद आप देखेंगे करंट बैलेंस 50,000 आ गया हमारा और इसके बाद हम कैश के थ्रू ₹25,000 चाहते हैं कि बैंक में हमारा डिपॉजिट हो जाए। तो यहाँ पर हम 25,000 ले लेते हैं और यहाँ पर इसे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैश हमारे पास ₹25,000 रह गया और अकाउंट में हमारे ₹25,000 चला गया, यानी आधा पैसा हमारे पास कैश है और आधा पैसा हमारे बैंक में चला गया। अब पैसा हमारे पास आ गया, इसके बाद यहाँ पर आपको वो वैल्यू डालनी होगी जितने अमाउंट से आप इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल दीजिए, जैसे 2,000 के आपने 10 नोट ले लिए तो ये आपके हो गए ₹20,000। मान लीजिए 500 के 10 नोट ले लिए, आपके हो गए ₹5,000। इसके बाद आप इसको एंटर करके पास कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी मैं इसको एंटर करके सेव कर दे रहा हूँ। यानी कि हमारे पास ₹25,000 बैंक में आ गया और ₹25,000 हमारे पास कैश आ चुका है। अब हम पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल टू TPTDL ₹5,500 बाय चेक। चेक के द्वारा हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ₹5,500 का। तो चलिए इसकी एंट्री पास करके देखते हैं। यहाँ पर आपको टैली में आना होगा, यहाँ से आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको टाइप करना होगा F5। F5 करने के बाद आपके सामने पेमेंट वाउचर शो हो जाएगा और जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो मोड आपका ऊपर होगा, यानी हमारा जो मोड था वो बैंक था यानी चेक था, हम चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बैंक रखेंगे यानी HDFC बैंक। इसके बाद यहाँ पर आप जो चीज़ पेमेंट कर रहे हैं यानी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं या क्या पे कर रहे हैं या किसको पे कर रहे हैं वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लेजर बना लेंगे TPTDL का यानी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का। और ये TPTDL आपका है कौन, तो ये हमारा एक तरीके से सिंडी क्रेडिटर होगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं सिंडी क्रेडिटर और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए करके इसको क्विक क्रिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं 5000
₹500 का। हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ₹5,500 डेबिट हो गया और हमारे अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो गया। हमारे पास जो करंट बैलेंस रह गया वो ₹19,500 रह गया क्योंकि ₹5,500 हमारा माइनस हो गया। इसके बाद इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। यहाँ पर आप चेक की डिटेल डाल सकते हैं कि किस समय पे किस डेट पे आपने पेमेंट की हुई है, वो डाल करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो हम नरेशन लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल टू टीपी डीडीएल बाय चेक। तो हमने यहां पर नरेशन लिख दी। इसके बाद हम एंटर करेंगे और इस एंट्री को पास कर देंगे। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पेड मोहन ₹3,500 बाय कैश, यानी कैश के माध्यम से हमने मोहन को ₹3,500 पे किया। तो मोहन को अगर हमने पैसा दिया है तो यानी कि मोहन हमारा सेंडरी क्रेडिटर है, तो इसके लिए हम वापस टैली में चले जाते हैं। यहाँ पर स्पेस दबाइए और यहाँ से ले लीजिए कैश। आपका मोड क्या है पेमेंट का, तो हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कैश रखेंगे। यहाँ पर आप स्पेस दबाइए और यहाँ पर अगर आपका लेज़र बना होगा तो वो शो हो जाएगा, नहीं तो आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। तो हमारे पास कोई लेज़र नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लेज़र बना देंगे मोहन का और अंडर ऑफ डाल देंगे इसको सेंडरी क्रेडिटर के। इसके बाद मोहन को हम कितना पैसा दे रहे हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। ₹3,500 हम उसको पे कर रहे हैं तो यहाँ पर दे देते हैं 3,500। एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कैश भी आपका माइनस हो गया, आपके पास जो बैलेंस बचा वो इतना बचा और आपका जो मोहन को पेमेंट हुई है वो इतनी पेमेंट हुई है। एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर भी अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो इसी तरीके से नरेशन लिख सकते हैं। एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद वापस जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा वाटर बिल पेड टू कमल ₹500 बाय कैश, यानी कैश के माध्यम से हमने कमल को वाटर बिल पे किया। तो इस एंट्री को भी पास करके देखते हैं, सेम इसी तरीके से हमारी ये एंट्री भी पास होगी। यहाँ से कैश का माध्यम है तो हम यहाँ पर कैश ले लेंगे। क्या है हमारा, आप यहाँ पर अगर वाटर बिल रखना चाहें तो वाटर बिल रख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप किसी सेंडरी क्रेडिटर को रखना चाहें तो सेंडरी क्रेडिटर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास पार्टी का नाम दिया हुआ है तो यानी कि हमारे पास पार्टी है कमल और कमल हमारा कौन है, सेंडरी क्रेडिटर है। हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 500 की पेमेंट कर रहे हैं। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ पेड वाटर बिल बाय कैश, ये आप नरेशन लिख सकते हैं ताकि इस नरेशन में आपको ये पता रहेगा कि आपने कमल को किस चीज़ का पैसा दिया है। तो कमल को हमने जो पैसा दिया है वो वाटर बिल का पैसा दिया है, तो इसके लिए हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा रेंट पेड टू पंकज ₹20,000 बाय HDFC बैंक, यानी बैंक के माध्यम से हमने ₹20,000 पे किए हैं पंकज को, राइट। तो इस एंट्री को पास करके देखते हैं। हम वापस अपने पेमेंट वाउचर पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम लेंगे स्पेस दबा करके बैंक, यानी HDFC बैंक। HDFC बैंक लेने के बाद अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ₹19,500 का बैलेंस है, यानी हमें जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 20,000 की और हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है, ₹19,500। तो यहाँ पर हमारे पास ₹500 नहीं है इसलिए हम इसकी पूरी एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर बैंक में ₹500 और डिपॉजिट करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री हमारे सामने शो हो जाएगी। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे स्पेस दे करके कैश। कैश में हम लोग यहाँ ₹500 बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और यहाँ पर आप डाल दीजिए कि आप कितने के अमाउंट दे रहे हैं, यानी हम 500 का एक नोट दे रहे हैं। इसको एंटर करके आप सेव कर दीजिए और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके बैंक में 20,000 अमाउंट आ गया। अब इसकी पेमेंट करके देखते हैं हम लोग। तो हम वापस चले जाते हैं F5 करके अपने पेमेंट वाउचर के अंदर और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग HDFC बैंक और यहाँ से हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसको पेमेंट कर रहे हैं, पंकज को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करिए, आप यहाँ लेजर बना लीजिए पंकज और एंटर ऑफ डाल दीजिए इसको सेंडरी क्रेडिटर के। सेंडरी क्रेडिटर के अंदर डालने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डाल दीजिए लाइक 20,000 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ देखिए बैंक में आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, यहाँ पर ₹20,000 पंकज के पास चले गए हैं। इसके बाद एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पर भी आप नरेशन लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियोज में भी आपको बताया और इस वीडियो में भी आपको बताया कि आप नरेशन किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वेजेस पेड
₹3,000, यानी यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपेंस हमारे सामने शो हो रहा है। तो यानी कि अगर हम कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंस शो हो रहा है और किसी पार्टी का नाम नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस को पेमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप वापस अपनी टैली में जाइए, यहाँ पर जो माध्यम था इसका, आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी माध्यम नहीं है, यानी हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना तो कैश के थ्रू, ना चेक के थ्रू, ना बैंक के थ्रू, यानी यहाँ पर कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैश ही रखेंगे। अगर आपके पास कोई माध्यम ना हो पेमेंट करने का तो यहाँ पर कैश ही रखेंगे इसका मोड। तो यहाँ पर हम वेजेस का लेजर बनाएंगे और यहाँ पर हम इसे अंडर ऑफ डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद यहाँ पर आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपको अभी कुछ भी फिल नहीं करना। इसके बाद आपका जो भी अमाउंट था, तो अमाउंट था हमारा 3000, तो हम यहाँ 3000 ले लेते हैं। 3000 हमने पे किया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे वेजेस हमारा पे हो चुका है। और यहाँ पर अगर नरेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पेड वेजेस बाय कैश, और इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ से आप स्कैप दबा के पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप जाइए बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 50,000 अमाउंट है, वो अमाउंट आ रहा है हमारा ओपनिंग बैलेंस का, जो हमने कैश में डाला था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने करंट लायबिलिटी शो कर रहा है, यानी जो जिस जिस पार्टी को हमने पैसा दिया हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद हमने सिंडी क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, तो आप इस पर डबल क्लिक करिए। किस किस को हमने कितना कितना पैसा दिया है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाएगा कि किस मंथ में आपने उनको पैसा दिया है, और यहाँ डबल क्लिक करके आप उसकी एंट्री देख सकते हैं कि आपने किस मंथ में किस डेट पर एंट्री पास की है। आप स्कैप दबा के यहाँ से पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका करंट एसेट्स शो हो रहा है, यानी आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, जो बैलेंस बचा हुआ है, वो आपका शो हो रहा है। इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा है बैंक कैश इन हैंड, यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा है कैश इन हैंड। आपके पास 17,500 रुपये अभी बचा हुआ है, बाकी की आप पेमेंट कर चुके हैं। आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा शो नहीं हो रहा है। स्कैप दबा के आप पीछे आ सकते हैं। स्कैप दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस 3000 शो हो रहा है। तो 3000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की एक एंट्री पास की है 3000 की। इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखेंगे वेजेस की हमने एंट्री पास की थी 3000 रुपये की, तो वो शो हो रहा है। वो आपने किस मंथ में पास की थी वो दिखा रहा है। आपकी एंट्री आपके सामने आ गई कि आपने जो वेजेस पे किया था वो किस माध्यम से पे किया था, वो पूरी एंट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्कैप दबा के पीछे आ जाइए। और अब अगर हम इन सब का टोटल करते हैं, 29,500 रुपये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई, जो कि हमने सेंड्री क्रेडिटर्स को पैसा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, तो हमारे पास जो कैश बचा हुआ है वो इतना अमाउंट बचा हुआ है, और हमारा जो प्रॉफिट है लॉस यानी डायरेक्ट एक्सपेंस जो हुआ है वो हमारा 3000 का हुआ है। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 50,000 का अमाउंट आ गया, और यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं हमारी जो ओपनिंग बैलेंस था वो 50,000 ही था। इसके बाद अगर आप एंट्री आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी सारी एंट्रियाँ कहाँ पर हैं, तो आप जाकर के डे बुक में क्लिक कर सकते हैं। डे बुक में जाने के बाद आप यहाँ से अपनी सभी एंट्रीज देख सकते हैं, आपने कितनी एंट्री पास की हैं, तो वो सारी की सारी आपके सामने शो अप हो जाएगी। तो ये थी हमारी पेमेंट ट्रांजेक्शन की एंट्री। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।